मैंने काले बाजार का धंधा किया, मैंने लोगों का अधिकार छीना है। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था, मगर वाणी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया। मेरा भाई मर गया। अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे, अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर वाणी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसानों में रहने के लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले। मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं, ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है, ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।